मेरे भाई आज है हमारे पास ये 24 स्लॉट जो कि उषा कंपनी में लगाई जाती है या बड़े जो चौड़े पत्ते में होते हैं यानी कि इस तरह की जो ब्लेड होती है उसमें ये पंखे लगाए उसमें ये स्टार्टर लगाई जाती है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही हाई आरपीएम होती है यानी कि इसके आरपीएम की बात करूँ तो समथिंग इसके आरपीएम 2400 के आसपास होती है। तो इसका तो मैंने कॉपर का डाटा दे रखा है कि आप लोग ये देखेंगे ये वाला वीडियो तो आप लोग कॉपर का मैंने डाटा दे रखा है। अगर आपने कॉपर का डाटा लेना चाहते हैं तो कॉपर के डाटा वहाँ से ले सकते हैं। आज मैं इसमें पूरा फुल एल्युमिनियम से काम किया हूँ और एल्युमिनियम का डाटा मैं आपको देने वाला हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूनिक चलने वाली फैन आपकी यही है। जैसे इसी डाटा को आप कूलर किट में भी मेंशन कर सकते हैं जो कि ये वाली कूलर किट आती है फैन इसमें भी आपको मेंशन कर सकते हैं सेम डाटा कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिलहाल जो मैं डाटा आपको बताने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन डाटा होगी बस आपको ये डाटा अपने कॉपी में मेंशन जरूर कर लेना होगा। तो फाइनल बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि 24 स्लॉट के हाई स्पीड फैन को एल्युमिनियम कॉइल से डाटा कैसे बेंडिंग की जाती है क्योंकि कॉपर कॉइल थोड़ा सा मतलब है सभी को बता देता है लेकिन एल्युमिनियम कॉइल उसकी डाटा चेंज करना होता है क्योंकि मैंने इस पर पहले से ऑलरेडी कॉपर कॉइल थी तो मैंने उसको हटा करके और फाइनली इसमें मैंने एल्युमिनियम कॉइल से वेंडिंग किया हूं। सो मैं डाटा आपको देने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और वीडियो को लास्ट तक वाच जरूर करिएगा। सो हाय गाइस, मेरा नाम प्रिंस तिवारी, आप देख रहे हैं सीखो इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। सो मेरे भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी सबसे पहले। तो मेरे भाई बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं इसमें आपको केवल डाटा बताने वाला हूँ ताकि बेंडिंग करने का तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है सेम डाटा वहीं मेंशन होता है सेम लेंथ। जैसे मैं और वीडियो में बताया हूँ 5 ब्लेड की वीडियो में जिस तरह से क्वाइल बैठाई जाती है सेम उसी की बैठाई जाती है। थोड़ी सी पीच भी वही रहती है बस आपकी जो लेयर होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है और वायर नंबर इसके चेंज हो जाते हैं और लेंथ चेंज हो जाते हैं। तो क्या होते हैं सारे की सारी जानकारी मैं फटाफट आपको दे दूँ। तो फटाफट शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे मैंने आपको बताया कॉपर के लिए तो कॉपर के लिए मैंने वीडियो बना रखी है नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के मैंने ये वाली वीडियो बनाई है देख लीजिएगा। सो फाइनल इसमें मैंने यूज किए हैं दो तरह के तार मैंने इसमें यूज किए हैं 30 और 31 नंबर वायर। 30 नंबर मैंने यूज किया है रनिंग के लिए यानी कि आप ये बाहर वाली क्वाइल है ये आपका 30 नंबर से बनी है आपको देखिएगा कि मोटा क्वाइल है और अंदर वाली क्वाइल है जो आपको 31 नंबर से बनी है जो कि हम लोग 5 ब्लेड में यूज करते हैं। तो 31 और 30 दोनों से मेंशन के लिए मैंने इसका डाटा एक ऐसा निकाला है जो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ रनिंग क्वाइल यानी कि जो सबसे फर्स्ट में जो क्वाइल डाली जाती है उसके बारे में। तो इसमें मैंने यूज किया है 30 नंबर वायर और मैंने इसमें पर क्वाइल टर्न डाले हैं आपका 110 टर्न यानी कि पर क्वाइल टर्न डाले हैं 110 टर्न। और क्वाइल की लेंथ की मैं बात करूं तो क्वाइल की लेंथ बनी है 36 इंच गोलाई में क्वाइल की पीच की मैं बात करूं तो क्वाइल की पीच आपका 1 से 4 में डबल लेयर होगा यानी कि 2 माले की सेट जाएगी यानी कि आपको 1 से 4 में डबल बार राउंड करना होगा और 1 से 8 में आपका ट्रिपल बार राउंड करना होगा यानी कि 3 लेयर आपका 1 से 8 में चढ़ानी होगी और 1 से 4 में आपका 2 लेयर चढ़ाना होगा बीच में आपको 2 गैप छूटेगी दोनों में लेंथ सेम होगा पीच सेम होगा। तो ये आपका स्टार्टिंग का हो गया रनिंग का हो गया। रनिंग के लिए मैंने यूज किया है 30 नंबर वायर पर क्वाइल टर्न आपका 110 लेंथ आपका 36 और पीच में जहां तक बात करूं तो 1 से 4 में डबल लेयर और 1 से 8 में ट्रिपल लेयर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं स्टार्टिंग क्वाइल। तो स्टार्टिंग क्वाइल मैंने इसमें यूज किया है 31 नंबर लेंथ उसकी 27 इंच हो जाएगी समझिएगा आप लोग इस बात को क्योंकि बाहर वाली की लेंथ आपका 36 इंच का था और अंदर वाली की लेंथ आपका 27 इंच की हो जाएगी क्यों क्योंकि क्या किया मैंने इसमें कि आप सबसे पहले डाटा मैं बता दूं तो आपको इसमें मैंने यूज किया 31 नंबर वायर स्टार्टिंग के लिए। लेंथ की मैं बात करूं तो लेंथ ही गोलाई में बनेगी 27 इंच पर क्वाइल टर्न 125 मैंने डाले हैं इसमें यानी कि एक क्वाइल में 125 टर्न ऐसे 4 माले की सेट इसमें बनेगी लेंथ इसकी 27 इंच हो जाएगी। और क्वाइल पीच की मैं बात करूँ तो 1 से 4 यानी कि फर्स्ट जो लेयर होगी सिंगल होगी और 1 से 8 में आपका ट्रिपल लेयर होगा। आपने रनिंग में आपका 1 से 4 में आपका डबल लेयर किया था लेकिन स्टार्टिंग में वहीं आपका 1 से 4 में सिंगल लेयर होगा और 1 से 6 में ट्रिपल लेयर होगा। सो फाइनल इस तरह से इसकी डाटा मेंशन की जाती है क्योंकि मैंने जो लेंथ कम किया वो आपका 1 से 4 में जो लेंथ की डिफेंस थी वहीं को मैंने कंप्रोमाइज करके इसमें आपको बता दिया। सो फाइनल मैं आशा करता हूँ कि आपको डाटा अच्छे से समझ में आ चुकी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फाइनल बढ़ते हैं मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक आपका